राजगढ़ जिले के करनवास थाने के पनाली गांव में बीती रात को जमीनी विवाद को लेकर एक ही परिवार के लोग आपस में उलझ गए। दोनों पक्षों में जमकर लट और फरसे चले, जिसमें एक की मौत हो गई, जबकि एक पक्ष के 4 लोग व दूसरे पक्ष के 3 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि पनाली गांव के पूर्व सरपंच पप्पू रोलेहा और गांव के पटेल बद्रीलाल रोलेहा के परिवार में जमीनी विवाद चल रहा था, जहां विवादित जमीन पर एक पक्ष के लोग लकड़ी रखने गए थे। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के लोगों में जमकर मारपीट हो गई, जिसमें पूर्व सरपंच पप्पू के परिवार के लोगों ने पटेल बद्रीलाल के परिवार पर जमकर लठ और फरसे बरसाए। इसमें पटेल बद्रीलाल की मौत हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सिविल अस्पताल ब्यावरा लेकर आई और भर्ती करवाया। वहीं पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध कर लिया है। राजगढ़ से ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। ये चाचा ताऊ का कुछ जमीन का विवाद था, इस पर से जो है एक पक्ष जो है गांव के पटेल के पास गया कि आप इनका पक्ष ले रहे हैं, इसे जो है इनका झगड़ा हुआ। कौन से गांव की घटना है सर? ये ग्राम पनाली की घटना है। इनका कुछ जमीन का विवाद चल रहा था दो पक्षों का, एक आपका पप्पू रोहेला है और दूसरा इंदर रोहेला है। ये काका ताऊ वाले भाई हैं, इनका विवाद चल रहा था। इसी बात का आज पप्पू एवं उनके सहयोगी थे, अभी वो बात अभी मैं पूछ रहा हूँ, तो उन लोगों ने जो है धारदार हथियार से और डंडे से हमला किया। कितने लोग घायल हैं? क्या इसमें करीब 3 लोग घायल हैं, एक की मृत्यु हो गई और 2 घायल हैं। 3 लोग का अभी और देख रहे हैं, पता लगा। प्रकरण क्या दर्ज किया अभी अपन ने अभी तक? जी प्रकरण कैसे क्या दर्ज किया? प्रकरण 302 का अभी मैं क्राइम कर रहा हूँ सर। क्या दूसरे पक्ष से भी कोई घायल है इसमें? मामूली चोटें आई हैं अभी।